सो अभी तो वहाँ के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, बिकॉज जैसे कि मेरे पास अभी भी रेड अलर्ट ऐप है, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे कौन कौन से एरिया में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो अभी मिलिटेंट्स आ रहे हैं, तो आई थिंक अब तो सारी जगह ही बहुत डेंजर में है, वो किधर से भी आ रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। और सब लोग वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि सबके घर में वेपन्स हैं, दे ऑल आर ट्रेन्ड, मतलब जो लोकल लोग हैं वहां पे रह रहे हैं वो सब आर्मी सर्व करके आए, तो दे नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन। और वहां पे अभी हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरे इसराइल में ही हालात तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने हमारी हर तरह से सहायता की है, जैसे कि जो इंडियन एम्बेसी ने हमसे कॉन्टेक्ट किया है, थ्रू उनके थ्रू ही उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया है, और उन्होंने हमें इक्वल सपोर्ट किया है जितना इंडियन गवर्नमेंट ने हमें किया है। उन्होंने हमें बहुत प्रोटेक्टेड रखा है, जब तक हमने तब तक प्रोटेक्ट रखा है जब तक हमारा फ्लाइट नहीं आ गया इंडिया, उन्होंने हमें तब तक सेफ रखा है। क्या कि लोग वहां पे जहां तक मेरा नॉलेज कहता है, वहां पे 18,000 से 20,000 इंडियंस हैं, जिनमें से अप्रॉक्स हाफ स्टूडेंट्स हैं और हाफ वर्कर्स हैं। ये जो मैंने देखा है ना, वो मैंने फील किया है, मैं वही बताऊंगी, मैं कुछ और एड मिक्स करके नहीं बताऊंगी। सो इसराइल हो चाहे इंडिया हो, कोई भी ऐसा एक तो अटैक डिजर्व नहीं करता। अगर कोई जो इसराइली लोगों के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ, और जो चलो अगर तुम्हें मारना है तो 1-on-1 वॉर करो, तुम इनोसेंट बच्चों को, बूढ़े लोगों को, तुम उनके साथ जो कर रहे हो उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, वो एक टेररिस्ट है। और हर एक इंडियन सिटीजन को उन टेररिस्ट के अगेंस्ट होना चाहिए। मैंने देखा है इवन कि लोग उन्हें सपोर्ट करे, दे डोंट डिजर्व सपोर्ट, मतलब इंडियंस को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर मुझे ट्रेनिंग दी होती इंडिया ने, तो डेफिनेटली मैं इंडिया नहीं आती, मैं वहां पे रहती, क्योंकि उन्होंने 4 महीने में मुझे इतना अच्छा फील कराया, मुझे लगा नहीं मैं दूसरी जगह हूं। और कोई भी इंडियन नहीं आता, कोई भी इंडियन नहीं आता, सब वहां बहुत खुश थे। जो लोग 5-5 साल वहां रहे उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा, उन्होंने हमेशा अपनी कंट्री जैसा फील किया है। और अगर अपने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। और उन टेररिस्ट पे मुझे तो नहीं लगता 1% भी हमें दया दिखानी चाहिए, दे डोंट डिजर्व, वो जिंदा नहीं रहने चाहिए। आंचल 19 जून 2023 को इसराइल गई थी। भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय चलाया है इसराइल से अपने लोगों को भारत लाने के लिए, तो ये मेरे ख्याल से भारत की सरकार है, उसकी विदेश नीति कितनी शानदार है, कितनी त्वरित कार्यवाही हुई है कि हमने सोचा था, मिकी ने टिकट बनाया था और वेट कर रही थी कि भाई कब क्या होता है, हमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, इस पर भी मंथन चल रहा था। तो रात को एक इसके पास में लिंक आया, हमारे पास भी आया, हमने उस पर रजिस्ट्रेशन किया, और मिकी जब सुबह उठी तो इसके पास में मेल आया हुआ था कि आपके लिए फ़्लाइट इतनी बजे आ रही है, इतनी बजे आपको यहाँ से निकलना है, और इतनी बजे एयरपोर्ट से लेकर के आपको प्लेन रवाना होगा, इतनी बजे आप इंडिया पहुँच जाएंगे। और जो समय उन्होंने हमें बताया उसी के अनुसार वो काम हुआ, और बहुत स्मूदली बिना किसी स्ट्रेस के हमारी बेटी हमारे घर आ गई। मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जिस मातृभूमि पर हमने जन्म लिया है वो अतुलनीय है, अद्भुत है, उसको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ।